पठानकोट के हल्का भोवा के अड्डा सरना के पास आज वन विभाग की ओर से मिशन तंदुरुस्त के तहत एक नेचर पार्क का उद्घाटन किया गया, जिसमें मुख्य रूप में डीसी पठानकोट संयम अग्रवाल ने शिरकत की व रिबन काट व पेड़ लगा इसको लोगों के सुपुर्द किया। बता दें कि पठानकोट में पहले भी वन विभाग की ओर से कई ऐसी पार्क व प्रोजेक्ट लगाए गए हैं जिससे यहां सरकार से रेवेन्यू आ रहा है, वहीं लोगों को भी इसका फायदा हो रहा है। इस संबंधी वन विभाग के अफसर व डीसी पठानकोट संयम अग्रवाल ने कहा कि पंजाब सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक मिशन तंदुरुस्त पंजाब के तहत ही ऐसे नेचर पार्क व अन्य प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं जिससे लोग इसका भरपूर फायदा उठा सकें व अपनी सेहत व तंदुरुस्ती बना सकें। पठानकोट जिले के वासियों को जिदा कि पंजाब सरकार वालों तंदुरुस्त पंजाब मिशन भी चलाया हुआ है तो ये तहत जंगलात महकमे वालों एक बहुत ही वधिया पहल की गई है जिदे ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर का एक ये वॉकिंग ट्रेल उन्हां वालों बनाया गया है तो जिथे लोग सवेर शाम आके सैर कर सकते हैं तो अपनी सेहत को चंगा बना सकते हैं। इस मैं वन मंडल अफसर साहब नू बहुत बहुत बधाइयां देना चाहूँगा जिन्होंने इस काफ़ी मेहनत की हैगी ते साथ ही इनवायरमेंटल मैनेजमेंट विच साढ़े कोल जड़ा माइनिंग दे विच पैसा आंदा हैगा उदी फंडिंग नू यूज़ करते हुए आपा इस ट्रेल नू डेवलप किया है जो मैनू लगता है इत्थे दे लोकां लई बहुत वधिया साबित होएगा ते मैं सारयां नू गुजारिश करूँगा कि इस ट्रेल का भरपूर फायदा उठाएँ ते अपनी सेहत नू वधिया बनाया। जिवें कि आपनू पता है कि लास्ट ईयर आपां मलिकपुर तो लेके सुजानपुर तक नेचर ट्रेल UBDC नू ब्यूटीफाई किया सीगा, उस नू ध्यान च रखते हुए सारे सरना वासियों का बड़ी डिमांड सीगा कि तुसी मलिकपुर तो लेके सरने तक भी डेवलप करो, तो आपां इस साल ये 2 महीना पहले आपां स्टार्ट किया सीगा। जैसे DC साहब ने बताया कि एनवायरमेंट फंड तो आपां फंडिंग लीती सीगा और इस नू पूरा प्रॉपरली डेवलप किता। उस तो अलावा जरा ये जो थी एरिया देखा जाते पार्क छोटा सा एरिया सीगा वो काफ़ी मतलब उस झाड़ियाँ उड़िया सी, उन्होंने सोचा कि आप पार्क छोटा पार्क बना दीजिए क्योंकि सरना एरिया से कोई भी पार्क नहीं है, तो बड़ा ही अच्छा हो गया, लोग आना ही शुरू हो गए। तो मैंने वास्तव में विश्वास है कि लोग इस चीज़ को जो आप बनाया है उसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएंगे और अपनी सेहत के साथ साथ इन्वायरमेंट को भी बचाएंगे। तकरीबन 15 का हैगा, 3 साल का प्रोजेक्ट हैगा, तो उस तो बाद आप मेंटेनेंस भी करना है। और भी कोई प्रोजेक्ट है जिले के बीच नहीं? आप लास्ट अभी दो महीना पहले ही आप जो सुजानपुर तो जो सड़क जाती है टैंक चौक वाली जरा MB Link है उसको अभी भी आप ब्यूटीफाई किया है और भी आप लाइटिंग सिस्टम जैसे DC साहब ने दसिया सीगा कि आप लाइटिंग सिस्टम भी उत्थे स्टार्ट करना जा रहे हैं। अब देखो जब फंड आ जाए उस तो बाद आप करवा देंगे महीने दो महीने। नहीं टी गार्ड का आप देखो रात में भी गश्त वास्ते बढ़ाया हुआ है, जो एक दो केसेस अपना लास्ट ईयर भी हुआ है जो टी गार्ड ने उन्होंने चक्के फेंक देता सीगा, उन्होंने पर्चा ले वास्ते पुलिस ने भी किया है, पर्चा भी कराया सीगा लास्ट ईयर एक बार। Once you visit this campus, your all queries regarding admission shall be fulfilled. Do visit us before seeking admission anyway.